और केविन ओवेंस लगाने जा रहे हैं इस मैच का फर्स्ट स्टनर, क्या ये कनेक्ट हो पाएगा? कनेक्ट हो चुका है, खतरनाक स्टनर टू डैमियन प्रीस्ट। और केविन नैश ने आते ही उठा लिया डैमियन प्रीस्ट को, खतरनाक तरीके से लगा करके फिनिशर और एलिमिनेट कर दिया डैमियन प्रीस्ट को। गाइज एल ए नाइट का BFT, खतरनाक BFT बाय एल ए नाइट। और लगता है कि वो क्लेमर किक लगाने जा रहे हैं, शायद लग ही ऐसा रहा है कि क्लेमर किक मारेंगे। क्लेमर किक है, बिल्कुल क्लेमर किक। हे गाइस, कैसे हो आप सब? कम बैक टू माय चैनल द गेमिंग एंड होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे आज के इस गेम प्ले वीडियो में। और आज के गेम प्ले वीडियो गाइस काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि गाइस आज टीम DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फेस करेगी टीम कुछ कुछ होता है। सो DDLJ में गाइस रहने वाले हैं डैमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकइंटायर, एलन नाइट एंड जियोसो। तो टीम कुछ कुछ होता है में होंगे गाइस केविन ओवेंस, केविन नैश, हल्क होगन एंड हल्क होगन के दूसरे वर्जन। और गाइस अगर आपको भी इस मैच को देख करके कुछ कुछ सब्सक्राइब करने का मन करे तो गाइस बिल्कुल कर देना सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि हमें हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स गाइस कंप्लीट करने। तो गाइस आप भी सपोर्ट करो चैनल को, और मैं भी ऐसे ही मेजर गेम प्ले वीडियोस एवरी डे लेकर आता हूं। तो गाइस चलिए बिना देर के आज के इस गेम प्ले वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली मैच होने वाला है शुरू। टीम DDLJ फेस करेगी कुछ कुछ होता है टीम से। तो केविन ओवेंस कुछ कुछ होता है टीम से गाइस मैच की शुरुआत करेंगे, और DDLJ टीम की ओर से डैमियन प्रीस्ट इस मैच की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखते गाइस कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। और आप गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप इस मैच को देखते वक्त कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। और गाइस मैच भी काफी शानदार जाने वाला है, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन जोन है और इसमें नॉकआउट भी ऑन है। तो गाइस कभी भी किसी का भी नॉकआउट हो सकता है। सो दो दो फिनिशर्स गाइस हमने पहले ही दे दिए हैं, ताकि ये जो मैच है ज्यादा लेंथी ना जाए। नाइस रिवर्सल बाय केविन ओवेंस, और देखते हैं कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। चार ही सुपरस्टार इस तरफ हैं और चार ही सुपरस्टार जो है वह दूसरी टीम की ओर है। खतरनाक गाइस मैच जाने वाला है। नाइस रिवर्सल बाय केविन प्रीस्ट, और रेफरी करता है काउंट रिंग के अंदर। चलो भी कहीं रिंग काउंट ना हो जाए, रेफरी ने दो काउंट तक काउंट कर दिया, तो रिंग के अंदर चलो तीन काउंट हो चुके हैं रिंग के अंदर। चलो गाइस डैमियन प्रीस्ट तो अंदर आ चुके हैं, और आते ही अंदर आके हल्क होगन को पीटने लग गए। अब केविन ओवेंस अंदर आएंगे, तो जिसको टैग लगा भाई उसको ध्यान दो, खतरनाक मुक्का हल्क होगन का। और इधर से डैमियन प्रीस्ट लगता है कि शायद से फिनिशर मारने जा रहे थे, बट रिवर्स कर दिया केविन ने। बहुत बड़े केविन ओवेंस, खतरनाक नेक ब्रेकर बाय केविन ओवेंस, और खतरनाक गाइस मैच जाने वाला है। और केविन ओवेंस लगाने जा रहे हैं इस मैच का फर्स्ट स्टनर, क्या ये कनेक्ट हो पाएगा? कनेक्ट हो चुका है, खतरनाक स्टनर टू डैमियन प्रीस्ट, और स्टन कर दिया है DDLJ के टीम मेंबर डैमियन प्रीस्ट को। लेकिन बचाने के लिए एल ए नाइट आ गए इस मैच में और बचा लिया डैमियन प्रीस्ट को। और डैमियन प्रीस्ट का पलट वार, खतरनाक फोर आर्म्स डैमियन प्रीस्ट का केविन ओवेंस के ऊपर। और रेफरी भी थक चुका है, रेफरी भी आराम कर रहा है, रेफरी को ढेर कर दिया किसी ने। और गाइस अगर आपको भी ऐसी गेम प्ले वीडियोस गाइस एंजॉय करने, तो गाइस आप भी हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस प्रेस कर दो बेल आइकन, क्योंकि आपको इस चैनल पर गाइस एवरी डे न्यू गेम प्ले वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो गाइस प्रॉपर गेमिंग चैनल अपना, तो अगर आपको भी गेमिंग कंटेंट पसंद है गाइस हमारी तरह ही, तो गाइस आप जरूर करना सब्सक्राइब चैनल को, प्रेस कर देना बेल आइकन। और इधर से गाइस मैच जारी है और टैग लग चुका है केविन नैश को, और केविन नैश ने आते ही उठा लिया डैमियन प्रीस्ट को, खतरनाक तरीके से लगा करके फिनिशर और एलिमिनेट कर दिया डैमियन प्रीस्ट को गाइस। सो टीम DDLJ की ओर से एक एलिमिनेशन हो चुका उनका सुपरस्टार, और वो हैं गाइस डैमियन प्रीस्ट। और अब गाइस टीम में बचे हैं सिर्फ तीन सुपरस्टार्स, और दूसरी तरफ गाइस टीम कुछ कुछ होता है में तो सभी सुपरस्टार बचे हैं, केविन ओवेंस, केविन नैश, दो हल्क होगन। और अब गाइस ये टीम DDLJ आगे इस मैच को कैसे काउंटर करते काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि उनकी तरफ अब एक सुपरस्टार गाइस कम हो चुका है, और वो है डैमियन प्रीस्ट। और वो जा रही है इस मैच को छोड़ करके। एल ए नाइट का BFT, खतरनाक BFT बाय एल ए नाइट। लेकिन बचाने के लिए केविन ओवेंस है, तो केविन ओवेंस आगे उनको बचाने, खतरनाक गाइस पंचिस एल ए नाइट के। हल्क होगन को भी ढेर कर दिया, स्टन कर दिया, और इधर से फिर से हल्क होगन को पीटने लग गया। लेकिन टैग लगा हुआ केविन नैश को, तो एल ए नाइट केविन नैश को पकड़ो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी टीम का एक बंदा वैसे भी एलिमिनेट हो चुका है, तो टीम तो वैसे भी एक प्लेयर के साथ शॉर्ट जा रही है। और इधर से टीम कुछ कुछ होता है में सभी चार के चार सुपरस्टार्स हैं, और केविन नैश पीट रहे हैं एल ए नाइट को, खतरनाक तरीके से ब्रूटल मूव्स लगा रहे हैं उनके ऊपर।
और उठा के फेंका भी LA नाइट को, क्या बात है। और गाइस अगर आपको ये गेम प्ले वीडियो पसंद आ रही तो गाइस वीडियो को जरूर कर देना लाइक, और गाइस आगे भी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी गाइस इस मैच को एंजॉय कर पाए। और चैनल पर गाइस अगर आप पहली बार आए तो भाई चैनल को जरूर कर दिया करो गाइस सब्सक्राइब। आप में से बहुत सारे लोग गाइस सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, जो कि गाइस बहुत गलत बात है। और सपोर्ट करने से गाइस कुछ हमारे में आपके लिए ही तो डेली गेम प्ले वीडियो सिखाता हूं गाइस चैनल पर। तो गाइस अगर आपको भी गेमिंग कंटेंट पसंद है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो, प्रेस कर दिया करो बेल आइकन। और इधर से मैच जा रही है, खतरनाक तरीके से पीटा जा रहा है LA नाइट को, और LA नाइट को टैग भी लगाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और LA नाइट को इधर ही अपनी तरफ रख रहे हैं ताकि उनका एक और एलिमिनेशन करवा पाए। लेकिन अब ड्रू मैकइंटायर आ गए हैं उनको बचाने के लिए LA नाइट को। LA नाइट टैग लगा भी तो वैसे बहुत पिट चुका है, कहीं नॉकआउट ना हो जाए भी तरह, एक फिनिशर पड़ गया कहीं नॉकआउट ना हो जाए LA नाइट। वैसे भी डेमियन पीस आउट हो चुका है और LA नाइट का ये सबमिशन मूव है, ठीक है ओके। खतरनाक सबमिशन मूव बाय LA नाइट, बॉस्टन क्रैब और रिवर्स कर दिया केविन नैश ने, बहुत बढ़िया। लगा ले भी टैग लगा ले LA नाइट, क्योंकि वैसे भी बहुत तेरे को पीटा केविन नैश ने। टैग लगा ले, रिकवर कर ले थोड़ा सा वरना स्टनर पड़ जाएगा, वो पड़ चुका है खतरनाक स्टनर और पेन हो रहा है। लेकिन बचाने के लिए जियोसो आ गए, और अब अगर LA नाइट को एक और फिनिशर पर जाना तो हो सकता है कि शायद LA नाइट का जो है वो एलिमिनेशन भी हो जाए, क्योंकि दो दो फिनिशर्स को पड़ चुके हैं। खतरनाक सुपर किक, LA नाइट की दुनिया हिल गई है। अब उनका ध्यान जा रहा है टैग लगाने के लिए, लेकिन पहले ही टैग जो है वो लगा देना चाहिए था, अब वो उसको लगाने देंगे नहीं। और टैग लगाएंगे नहीं, खुद ही मूव लगा रहे हैं, मून सॉल्ट वाला मूव, खतरनाक मून सॉल्ट बाय केविन ओवेंस। LA नाइट की हो रही है धुलाई और टीम DDLJ बुरी तरह से पिट रही है, टीम कुछ कुछ होता है ऐसे। और इधर से केविन ओवेंस ने रेज मोड एक्टिवेट कर लिया, क्या टैग लगाने जा रहे हैं? नहीं, टैग लगाने से पहले रिवर्स कर दिया LA नाइट ने, और LA नाइट का खतरनाक सुप्लेक्स। LA नाइट भी टैग लगा ले, वो तो टैग लगाने जा ही रहा है, केविन ने तो लगा दिया हॉलीवुड हल्क होगन को टैग, और LA नाइट तू भी लगा दे भी टैग, हॉलीवुड हल्क होगन वर्सेस LA नाइट। और अभी तक भी LA नाइट ने जो है वो टैग नहीं लगाया। और केविन ओवेंस रिंग के बाहर जाओ वरना काउंटडाउन से एलिमिनेट भी हो सकते हो। पेन हो रहा है LA नाइट का, LA नाइट किक आउट लगता है, रेजिलियंस गई, बिल्कुल रेजिलियंस जा चुका है। LA नाइट ने अब जाकर टैग लगाया जे उसो को, तो जे उसो आएंगे और आते ही पकड़ लिया है जे उसो को, खतरनाक तरीके से चोक स्लैम दे दिया हॉलीवुड हल्क होगन ने। जे उसो का तो स्वागत अच्छे तरीके से करवा दिया हॉलीवुड हल्क होगन ने, और जे उसो स्पीड वगैरह मार यार, क्योंकि तुम्हारी तरफ वैसे ही बंदा कम है। और खतरनाक फिर से चोक स्लैम भाई, बैक टू बैक चोक स्लैम दिया जा रहा होगन, तो होगन चोक स्लैम कब से मान लग गया। नेक्स्ट वर्सल बाय जे उसो, खतरनाक स्पीड से जवाब दिया, बहुत बढ़िया खतरनाक स्पीड बाय जे उसो हो रहा है पिन हल्क होगन का। लेकिन केविन ने बचाने के लिए, केविन ने बचा लिया हॉलीवुड हल्क होगन को, एक और स्पेल डाल देगा ना तो जे उसो, तो अच्छा खासा डैमेज हो सकता है हल्क होगन को। जे उसो लगाएंगे टैग, ड्रू मैकइंटायर को टैग लगा दे, क्योंकि LA नाइट तो अभी थोड़ा रिकवर करने में लगेगा टाइम उसको। और ड्रू मैकइंटायर आ चुके हैं, ड्रू के पास भी एक सिग्नेचर एक फिनिशर है, तो कभी भी क्लेम और किक लग सकता है ड्रू मैकइंटायर की ओर से हॉलीवुड हल्क होगन को। और लगता है कि वो क्लेमोर किक लगाने जा रहे हैं, शायद लग ही ऐसा रहा कि क्लेमोर किक मारेंगे। क्लेमोर किक है, बिल्कुल क्लेमोर किक इतने स्टाइल के साथ। लेकिन केविन नैश आएंगे बचाने हॉलीवुड हल्क होगन, लेकिन इतना है कि डैमेज अच्छा खासा हो चुका है हॉलीवुड हल्क होगन को। दो फिनिशर और पड़ गए ना तो हॉलीवुड होगन का भी नॉकआउट हो सकता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात होगी टीम DDLJ के लिए, जिसका पहले ही एक प्लेयर जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। और इधर से एक टीम कुछ कुछ होता है में तो सभी के सभी सुपरस्टार्स अवेलेबल है, अभी तक एक भी एलिमिनेशन का हुआ नहीं है। और हॉलीवुड हल्क होगन ने तो टर्न बकल को कर दिया रिमूव, लगता कि थोड़ा चीट करना चाहते हैं इस मैच में। और ड्रू मैकइंटायर शो ऑफ करने में ध्यान दे रहा है, लेकिन पीछे से लग चुका है टैग केविन को, रिवर्स कर देंगे, दो तीन पंचेस मार देंगे तो फिनिशर वगैरह आ सकता है ड्रू मैकइंटायर के पास। और खतरनाक गाइस मैच जा रहा है, और हॉलीवुड हल्क होगन ने जो टर्न बकल रिमूव किया था ना, वो केविन ओवेंस के ऊपर यूज हो गया। ड्रू मैकइंटायर ने केविन ओवेंस को उस तरफ मार दिया, और रेफरी अब जा रहा है टर्न बकल लगाने, जबकि काम हो चुका है ड्रू मैकइंटायर को, उसने पहले ही वो यूज़ कर लिया केविन के ऊपर टर्न बकल। और गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को गाइस सब्सक्राइब किया है तो गाइस प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, गाइस प्रेस कर लो बेल आइकन। केविन ओवेंस भी गाइस अब एलिमिनेट हो चुका, तो इसी बात पर गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ताकि गाइस आप डेली गेम प्ले वीडियोस एंजॉय कर पाओ। गाइस आपको गेमिंग हब पर एवरी डे न्यू गेम प्ले वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब, गाइस प्रेस कर देना बेल आइकन। और देखते देखते गाइस दो और एलिमिनेशन हो चुके हैं, जैसे ही कमबैक किया टीम DDLJ ने, उसके तुरंत बाद टीम कुछ कुछ होता है ने एक और जो है वो एलिमिनेशन करवा दिया टीम DDLJ का। तो अब ये जो मैच है वो 3 वर्सेस 2 का मैच हो चुका है, अभी भी एक बंदे से फिर से पीछे जा रहे हैं
टीम डी डी एल जे और एल ए नाइट वर्सेस कैविनाश। एल ए नाइट के पास दो दो फिनिशर्स हैं, दूसरा आने वाला है। एल ए नाइट बी एफ टी मार यार, क्योंकि वैसे भी दो मेंबर्स हमारी टीम से एलिमिनेट हो चुके हैं। चिराकी से पिन एल ए नाइट का, चिराकी से पिन करवाने में कामयाब रहे कैविनाश, क्या बात है। तो अब तो गाइस सिर्फ और सिर्फ जे उस बचे, और क्या ये जे उसो अकेले कुछ कर पाए, क्योंकि उनके अगेंस्ट तीन तीन बंदे हैं यार। खतरनाक स्पेयर जे उसो का, चलो शुरुआत तो कर दिया बंदे ने। तीन वर्सेस दो था, मतलब तीन वर्सेस एक था गाइस, तो जे उसने कम से कम स्पीड मार करके वन वर्सेस टू तो कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा उसको एक और स्पीड लगा देना जे उसो, तो वन वर्सेस वन मैच बन सकता है, काफ़ी क्लोज मैच आ चुका है। वैसे जे उसो चाहे तो मैच पलट सकता है, क्योंकि उसके पास सिग्नेचर आ चुका है। सिग्नेचर कनेक्ट करते और उससे पहले ही बिग बूट से उसने मैच ही कर दिया खत्म हॉलीवुड गोगन ने। सिग्नेचर कनेक्ट होने से पहले हॉलीवुड गोगन का बिग बूट कनेक्ट हो चुका और ये मैच गाइस जीत लिया टीम कुछ कुछ होता है ना। तो गाइस टीम डी डी एल जे हार चुकी है और केविन ओवेंस कैविनाश हॉलीवुड हल्कोगन्स की टीम जीत चुकी है। तो फाइनली गाइस आज के गेम प्ले वीडियो में इतना ही, होप कि आपने इस मैच को एंजॉय किया। और जान से पहले गाइस चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब, गाइस प्रेस कर देना बेल आइकन, और ऐसे ही गेम प्ले वीडियोस गाइस एंजॉय करने के लिए अपने लेफ्ट और राइट गाइस आने वाले गेम प्ले वीडियोस को देख सकते हो, या फिर गाइस आप अपने स्क्रीन के नीचे आने वाले गाइस गेम प्ले सीरीज का भी गाइस मजा उठा सकते हो। गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।